हेलो गाइस, वेलकम टू सनन जी एडीसी। हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तो फ्रेंड, आज मैं एक ही वीडियो में तीन से चार कंपनी की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, जीईटी के लिए भी बात करूंगा, बी बीटेक वाले भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हमारे बारे में, कुछ बताइए हमारे लिए कोई जॉब वैकेंसी बताइए, 10 पास, आईटीआई, डिप्लोमा। तो फ्रेंड, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और वीडियो में मैं एक और चीज़ भी सिखाने वाला हूँ जो कि आप जॉब करना चाहते हैं तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी पोस्ट में, किसी भी आप वेबसाइट पे देखते हो या किसी भी तरह आपके पास कोई वैकेंसी का अपडेट आता है जिसमें एचआर की मेल आईडी दी होती है, ना कि कोई नंबर, तो उस टाइम पे आपको क्या लिखना चाहिए मेल में, क्या नहीं लिखना चाहिए, वो चीज़ के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो जितना हो सके उतना, मतलब कि पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी का नंबर और एचआर का नंबर देख के भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई भी एक यूट्यूबर है या किसी आप जॉब वैकेंसी का या एजुकेशन के रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट एक वीडियो पूरा देखना चाहिए। फ्रेंड, अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक टाटा मोटर्स की वैकेंसी जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, और 6 तारीख का ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो फुल डिटेल्स वीडियो है। अभी 7 तारीख को भी एक टाटा मोटर्स में वैकेंसी है, तो फ्रेंड उस दिन भी आप कैंपस में ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि आपने 10वीं कंप्लीट किया है अभी, उसके बाद आप 2 साल का गैप करने के बाद आप डिप्लोमा ज्वाइन करते हो तो आप टाटा मोटर्स में नहीं ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने 10वीं अभी कंप्लीट किया है, उसके बाद आपका 10वीं में परसेंटेज है वो 16 से कम है तो भी आप टाटा मोटर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने डिप्लोमा किया है, आपका CGPA 6.5 से कम है तभी भी आप जॉब टाटा मोटर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो, और आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आपके पास लाइफ में कोई एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें है जो आप www.jobsanandji.edc ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, एचआर का नंबर भी वहाँ पे दिया गया है, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ना समझ आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपने लिए ओपन है, तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं कभी भी रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं आगे जो लोग बीटेक वाले है, एक बार और भी एक अच्छी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है, जो कि 8 तारीख उसका इंटरव्यू है और इसमें जो एज रखा गया है वो 18 से 28 एज के बीच में जिसका एज है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज से अपना पास आउट होना चाहिए, और आप 2021 और 22 के पास आउट है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तभी भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन हैंड आपको 15,000 सैलरी मिलने वाली है, और आपको सारा मतलब कि जो दूसरी कंपनी में जो जो फैसिलिटी मिलती है, जो कि बस कैंटीन हो गया, PF का हो गया, वो सारी फैसिलिटी आपको ये कंपनी में भी मिलने वाली है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। लोकेशन आपका हालोल GIDC रहने वाला है, तो पंचमहाल रहने वाला है, गुजरात आपका जॉब लोकेशन रहेगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आगे एक वैकेंसी की अपडेट के बारे में बात कर रहा था, ऑटोमोबाइल की कंपनी है जिसमें डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 9,500 से 11,000 प्लस वो ओवरटाइम अलग से मिलने वाला है। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैंटीन, बस, EHS और जो इंश्योरेंस, जो दूसरी कंपनी में आपको जो जो फैसिलिटी मिलने वाली है ये सारी फैसिलिटी आपको ऑटोमोबाइल में मिलने वाली है। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बी कर लिया तो इतना कम सैलरी में हम कहाँ जाए, तो फ्रेंड आप जब फ्रेशर है तो आपको कोई भी कंपनी, कुछ अच्छी कंपनियां होती है जो फ्रेशर को 4-5 लाख का पैकेज दे देती है, लेकिन आप करियर की शुरुआत कर रहे हो, कुछ सीखने की उम्मीद लेके अभी अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है, बी कंप्लीट किया है, बीटेक कंप्लीट किया है, तो आप पैसों के पीछे मत भागिए, आप पहले क्या सीखने को मिलता है, कंपनी का क्या ब्रांड वैल्यू है, वही चीज़ मैटर करती है आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। क्योंकि आप लिंक्डइन पे जाएंगे, naukri.com पे जाएंगे, वहाँ पे किसी का प्रोफाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड उन लोगों ने लगा के रखे हैं। जैसे कि एक हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो कोई मेंटेनेंस का बंदा है तो लिखते हैं उसमें कि PLC का नॉलेज है, HMI का नॉलेज है, या फिर VFD का नॉलेज है। तो कोई किसी कंपनी में वैकेंसी आया, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो वो नौकरी मतलब कि कोई कंसल्टेंसी वाले क्या करेंगे, एक एक बंदे का प्रोफाइल देखने के लिए नहीं जाएंगे, ना कि किसी का रिज्यूम देखने के लिए जाएंगे, वो कुछ कीवर्ड है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कीवर्ड सर्च करते हैं naukri.com पे, LinkedIn पे, या किसी आपने मेल किया है तो अभी भी वो कीवर्ड ही सर्च करते हैं। वो कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप किसी भी कंपनी को मेल करते हैं या किसी जगह पे आप LinkedIn पे या
jobhunter.com पे आपको अपना प्रोफाइल बनाने हो तो उस टाइम पे वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो फ्रेंड उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मैं वैकेंसी सारी दे रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी जॉब सानंद JDC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो मैं चीज़ जो बोल रहा हूँ वो एक चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, ये वीडियो में ही मिलने वाली है। तो वीडियो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड अभी एक मैंने अभी आगे बात किया था किसी भी कंपनी को HR को मेल करना है तो हमको कौन कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी में, जैसे कि बालाजी का कंपनी का नाम है, बालाजी कंपनी में वैकेंसी निकला है, सिर्फ 3 लोगों को चाहिए उन लोगों को, और वहाँ पे 5000 लोग मेल करते हैं, 5000 लोग उनको HR को मेल करते हैं और उस 5000 लोग उनको रिज्यूम सेंड करते हैं। तो अभी कंपनी का जो HR है वो उतना तो मतलब कि फ्री नहीं रहेगा कि आपका 5000 लोगों का वो रिज्यूम पढ़ने के लिए बैठेगा। तो वो क्या करेगा, उसका जीमेल ओपन करेगा, उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको PLC का प्रोग्रामिंग आता हो, उसको मतलब कि सारे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं कंपनी में, जो कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या क्वालिटी डिपार्टमेंट में या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो एक डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आता होना चाहिए। नहीं तो इंजीनियर लेने की मतलब कंपनी को ज़रूरत उसी के लिए है क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्क सही हो सके। तो फ्रेंड वो लोग जो जो इनको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लोग वहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे कि अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए हम बात करें तो मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो PLC भी देख सके, सॉफ्टवेयर भी देख सके और रोबोटिक भी देख सके। तो वो चीज़ सर्च करेंगे, उसके बाद उनके पास जितने भी रिजल्ट शो होते हैं वो रिजल्ट में से कोई एक बंदे को, 3-4 बंदे को कॉल करेंगे, उसके बाद उन लोगों को बुलाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आप किसी भी कंपनी का HR को मेल करते हो। बहुत सारे लोगों के साथ मैं कॉल पे बात कर चुका हूँ, जैसे कि मेरे साथ व्हाट्सअप में 20,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन है, मेरी वेबसाइट पे हर दिन 20,000 से ज़्यादा लोग वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं कॉल पे भी बात कर चुका हूँ। तो वो बहुत सारे लोग मेरे को वही बोल रहे हैं कि सर मैंने बहुत कंपनी को HR को मेल करके रखा है लेकिन मेरे को एक भी कंपनी में अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है। तो ये चीज़ इसमें मायने रखती है कि आप किस तरीके से मेल लिख रहे हैं, किस तरीके से आप उनके कन्वे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। और आपको कोई डाउट है किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो कौन कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 2 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ और मैं 10 से 15 कंपनी का इंटरव्यू दे चुका हूँ। एज अ मतलब कि सीखने के लिए ही दिया था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को 10-15 कंपनी में ज्वाइन करना था, तो मैंने सीखने के लिए ही किया था। और मेरा पहला जो कंपनी था वो टाटा मोटर्स था और दूसरा कंपनी जो अभी नेक्स्ट चार्ज में हूँ। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। और किसी कंपनी में सैलरी कम है और आपको जॉब ज्वाइन करना है तो आपका मतलब कि वही मकसद होना चाहिए कि मैं एक तो सैलरी का मैं मेरे को ज्वाइन नहीं करना है लेकिन इंटरव्यू है मैं देने के लिए जाऊंगा। इंटरव्यू देने से आपको जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, मतलब कि आपको वहाँ पे कोई HR कोई आपको क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके बाद आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो आप उस टॉपिक को सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, उसके बाद वो चीज़ आप सीखने के लिए जाएंगे तो साथ में आप 10 चीज़ और भी सीख जाएंगे। तो वही चीज़ मानने रखते हैं, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू है तो जाइए, अपना खुद का टाइम निकाल के वहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपको लाइफ में बहुत कुछ वो आगे जाके काम आने वाला है। और बाकी सारी वैकेंसी की जो अनपढ़ है और जो 8 पास 5 पास है, तो मदरसन कंपनी में वैकेंसी रहता है। और फ्रेंड जैसे भी कंपनी का कैंपस लगता था लेकिन अभी मैंने उसका अपडेट देना बंद कर दिया, क्योंकि 2-3 बार मैं जैसे भी का अपडेट दे चुका था लेकिन वहाँ पे कैंपस कैंसिल हो जाता था किसी कारण की वजह से। तो फ्रेंड माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉल आया था कि सर आपने कैंपस का डिटेल्स दिया था लेकिन कैंपस कैंसिल हो गया, हमारा पैसा बर्बाद हुआ। तो फ्रेंड कंपनी वालों से मैंने बात कर किया है लेकिन कैंपस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी HR से मेल आता है, उसके बाद हम सीधा वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, हम क्रॉस चेक नहीं करते। तो अभी अगली बार से हम वो चीज़ भी ध्यान रखेगा रखने वाले हैं। और MG मोटर्स में भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो भी चेक कर सकते हो। नेस्लेट पे भी अभी ख़त्म हो गया है, उसके बाद कोई ऐसी कंपनी है मैक्सिस रबर एक अच्छी कंपनी है जो सानंद में आप जॉब करना चाहते हो तो एक दो ही मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, बाकी तो सारी कंपनी अच्छी है जैसे कि कोलगेट, टाटा मोटर्स और एक मैक्सिस रबर। मैक्सिस रबर में अभी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी क्योंकि अभी कंपनी ने सैलरी बढ़ा दिया था, कुछ इश्यू हुआ था मतलब कि बच्चों ने बाहर जो रहता है यूनियन का काम किया था उस वजह से, तो वहाँ पे अभी आपको फ़ायदा हो जाएगा जैसे कि आप जॉब के लिए ज्वाइन करते हो।
और आप ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन करिए जो कि आपको कंपनी रोल पे रखती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही आपको वैलिड गणाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब करते हो तो उसका एक्सपीरियंस आपको वैलिड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वही देगा जो कि आप कंपनी रोल पे जॉब करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करेंगे तो आपको कभी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ। और देर सारी मैंने जो वैकेंसी बताई उसका कॉन्टैक्ट का HR नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ।